स्मोकिंग करने पर धुआं हमारी सांस नली के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंचता है और वहां से हृदय और हृदय के माध्यम से संपूर्ण शरीर तक पहुंच जाता है। आइए अब जानते हैं कि सिगरेट में ऐसा क्या होता है कि ये पूरे शरीर के लिए इतना अधिक नुकसानदायक साबित होता है। धूम्रपान करने पर इससे उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के सूक्ष्म कण धुएं के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में फैल जाते हैं। मानव शरीर के लिए हानिकारक यह तंबाकू कई रूपों में जैसे सिगार, पाइप और स्मोकलेस टोबैको के रूप में पाया जाता है। धूम्रपान करने पर तंबाकू में स्थित निकोटीन रक्त के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। मस्तिष्क में पहुंचने के बाद निकोटीन आपको एक सुखद अनुभव कराता है। इसी सुखद अनुभव की प्राप्ति के लिए व्यक्ति बार बार तंबाकू का सेवन करता है और अंततः उसका आदी हो जाता है। आइए तंबाकू से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानते हैं। तंबाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों में मृत्यु का कारण बनने वाली कुछ बीमारियाँ हैं, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, लंग कैंसर और डेथ फ्रॉम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। निकोटीन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलकर धमनियों की आंतरिक सतह को क्षति पहुंचाती है और फैटी डिपॉजिट प्लेक का निर्माण करती है, जिससे रुधिर संचरण हेतु धमनी में आयतन कम हो जाता है और अंततः प्लेक के निरंतर जमाव से धमनी अवरुद्ध हो जाती है। ट्रैकिया के माध्यम से वायु ब्रोंकाई ट्यूब से होते हुए फेफड़ों में प्रवेश करती है, जहां एल्वियोलाई द्वारा ऑक्सीजन को रुधिर में मिला दिया जाता है और CO2 को निःश्वसन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है। ब्रोंकाई ट्यूब में छोटी रेशेनुमा संरचना सीलिया पाई जाती है। धूम्रपान द्वारा ब्रोंकाई ट्यूब में सूजन उत्पन्न होती है और इसकी नलिकाओं में म्यूकस का निर्माण होने लगता है और यह म्यूकस सिलिया से चिपककर फेफड़ों में जमा होने लगता है। म्यूकस के निरंतर जमाव से श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और सांस लेने में परेशानी उत्पन्न होने लगती है। अंततः ऐसे व्यक्ति को सांस लेने के लिए नाक में ऑक्सीजन ट्यूब पहनना पड़ता है। इसे ही क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज कहते हैं। इस भयावह बीमारी का कोई परमानेंट उपचार नहीं होता है। सिगरेट में कैंसर उत्पन्न करने वाले 40 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। तंबाकू में उपस्थित खतरनाक रसायन आपकी स्वस्थ कोशिकाओं में DNA तक को भी क्षति पहुंचाता है। परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नई बीमार कोशिकाओं का निर्माण करती है, जो अनियंत्रित होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाती है और कैंसर का निर्माण करती है। प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक केस केवल लंग कैंसर के मिलते हैं। तंबाकू द्वारा होने वाले अन्य सामान्य कैंसर आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए हैं। स्मोकिंग इज लाइक पेइंग समवन टू किल यू। टेक अ डीप ब्रीथ, थिंक फॉर अ व्हाई, चूज योर लाइफ एंड स्माइल।